ग्वालियर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हुजरात रोड पर स्थित एक मेडिकल की दुकान में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर करीब 5 लाख रुपए की चोरी कर ली है। चोर आधी रात को दुकान में छत के रास्ते से घुसे थे और उन्होंने गल्ले का ताला तोड़कर उसमें रखे 5 लाख रुपए उड़ा दिए। यह दुकान प्रमोद अग्रवाल की बताई जाती है, जहाँ दवा का थोक और खैरीज का कारोबार होता है। बीते रोज वह दुकान बंद करके घर चले गए थे, तभी आधी रात को गली के रास्ते चोर उनकी दुकान की छत पर पहुंचे और सेंध लगाकर दुकान में घुस गए और चोरी की घटना को अंजाम दिया। कल रात को, परसों रात को, दरमियानी रात को दवाइयों की दुकान है, वहां पर एक प्रमोद संचालक हैं इसके, उनके दवाइयों के दुकान में गल्ले में पैसे रखे हुए थे, छत के रास्ते से अज्ञात चोर आके वो चुरा ले गए पैसे। सर, कोई सीसीटीवी वीडियो उसमें मिल पाया अभी तक? पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी की फुटेज से खोज की जा रही है। लगभग कितना पैसा था गल्ले में? 5 लाख रुपए का। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।